Azim Danishwar, scholar, Sheikh Al-Rami Sahab, Bedreen, Sahafi, Musannif, Nadib, Al-Rami Sahab, thanks to Bedreen, Azim Masniya, Mahmoudi, Asad, Al-Rafa. Now, this is the time for a long time. और इसको अलविदाई भी तकरीब हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सहाफ़ी कभी जुदा नहीं होता है और माशाल्लाह सहाफ़ी बन के निकल रहे हैं और सहाफ़त साल भर तक जो आपने सीखा है और जो कुछ हमने बताया है आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पॉलिटिकल मैदान में आप हैं अमली मैदान में आप हैं तो आप सहाफ़ी कहीं जुदा नहीं होंगे और ये इदारा दारुल उलूम नदवतुल उलमा कलम और किताब किरदार और कलम से इतना गहरा रिश्ता है कि आज भी नदवे में आज से 50 साल पहले या उससे पहले के लोग हमारी भी नस्ल से पहले के लोग जो हैं और लिखने पढ़ने के मैदान में हैं उनका रिश्ता कहीं ना कहीं से बरकरार है नदवे से यहाँ के असातिज़ा से तलबा से और मैं तो मुद्दत हो गई अलग हुए यहाँ से मैं दूसरे मैं सहाफत के मैदान में हूँ लेकिन मुझे खुशी है और अल्लाह का शुक्र है कि उस बिरादरी से बहुत से लोगों के मेरे ताल्लुकात हैं चाहे खतो किताबत होती हो अब दबा लेकिन टेलीफोन पे बात हो जाती है उनके मज़ामीन पढ़ के मैं जवाब देता हूँ या जो मेरी चीज़ पढ़ते हैं तो मेरे वो दोस्त और अहबाब और जो जानते हैं बाकायदा मुझको फ़ोन करके वो पता करते हैं चाहे वो चीज़ मेरी अरब उर्दू न्यूज़ में छपती हुई हो सऊदी अरब में और चाहे वो मैं लखनऊ में सहारा में छपी और चाहे वो इस वक्त अवामी सालार और उसमें अखबार मशरिक में छपती हो सीखने का आपका जो सिलसिला शुरू होता है वो सिलसिला आपका कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए एक सहाफ़ी हाँ अभी बताया गया कि आपकी परवाज है तो उसके हद भी ख्याल रखना चाहिए शेर में मेरे भाई कोई हद नहीं हद का ख्याल जिस दिन आपने रखा आपकी वहीं पे तरक्की रुक जाएगी आपकी कोई हद नहीं है बेकरार आसमान है आप उड़िए पहचानिए इल्म को फरोग दीजिए हमारे तालिबिन साथी ने बड़ी अच्छी बात कही उसने कहा कि मिशन है सहाफत मिशन है और मिशन जिस वक्त खत्म हो जाएगी उसकी मौत हो जाती है और आपके नजदीक तो शुरू से लेकर अब तक नदवे का मिशन रहा है नदवे का मिशन अल-अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अब ये इसके अंदर इतना वसी है ये इतना वसी है इसके अंदर सारी चीजें पूरी दुनिया अब पूरा आपका दीनी सब मामला सब कुछ आ जाता है इसको ख्याल में रख करके जब आप चलेंगे आप सहाफत पढ़ के निकलेंगे तो इसका मतलब नहीं कि पढ़ गए और कोर्स पास कर लिया हो गया नहीं अमली सहाफत पे जो मैं अब बार बार मैंने आपको याद दिलाया कि अब यहां से आपकी जिंदगी शुरू होती है सहाफत की और इसको हमेशा आपको बरकरार रखना है इस पर चलना है हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता बताया है उस पर चलना है मैंने तो सीखने का मेरा सिलसिला आज भी मैं नहीं कहता हूँ मैं आज भी तालिबिल हूँ मैं सीख रहा हूँ हज़रत मौलाना जी अरबी किताब सहाफत में जो आई है मौलाना सदवान साहब की तो मैंने उसको पढ़ा पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखी आज भी हज़रत मौलाना का ये करम है कि मेरे पास अरबासुल इस्लामी मेरे पास भेजते बदरिया डाल के पहुँचता सबसे पहला काम मैंने मौलाना का इदारिया पढ़ता हूँ फिर मैं ज़रूर उसको उसकी तरतीब मजामीन की तरतीब देखता हूँ मैं इसके सिलसिले में आप लोगों को पढ़ाया है अपने तलबा को बताया है कि मुजामिन का इंतखाब कैसे किया जाता है अखबार में खबरें कैसे लगाई जाती हैं कहाँ छापा जाता है उसकी तदवीन कैसे की जाती है मैं आज भी उसको सीखता हूँ अपने बुजुर्गों के और उनकी तदवीन से उनकी जो निकालते हैं मैंने किताबें पढ़ी हैं मैं स्वयं नगरामी साहब तो
उस्ताद बैठे हुए हैं, इनकी किताबें तकरीबन जो उर्दू में आई हैं, मैं तो अरबी वाली नहीं पढ़ पाया, ना मेरे हाथ आई, लेकिन इनकी तकरीबन सारी किताबें पढ़ जाती हैं। और बहुत सी चीजें ऐसे जो इख्तलाफी मसाइल जो दीनियात और उसके सिलसिले में है, जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में या उर्दू दुनिया में जो चीजें आई हैं, जो इस्लाम में बातिल तहरीकें चल रही हैं, उसके ऊपर किताब यूसुफ भाई की भी है और डॉक्टर शेख दंगराबी साहब की है। मैंने क्लास में आप लोगों से बार बार कहा बताया कि ये चीजें पढ़ डालिए। पढ़ने की तरफ इशारा हमारे साथी अभी अतः भाई ने जो बताया है, पढ़ने का सिलसिला नहीं खत्म होना चाहिए, आपके सीखने का सिलसिला नहीं खत्म होना चाहिए, आपके लिखने का सिलसिला नहीं शुरू होना चाहिए। यह सहाफत के मैदान में आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि सदर शोभा मसूदुर्रहमान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाहियत के मालिक हैं, अंग्रेजी जबान में, उर्दू में भी, और बहुत सी चीजों पर नजर है, दीनियात पे, हालात हाजरा पे। दुनिया इतनी उसी होती जा रही है, इल्म का इतना ज्यादा बस्टअप हुआ है कि आप उसको सोचिए समझिए किस मैदान में जाना कहां करना है, यह आपके लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा कि अब आप चले उसको सीखें। आज जराए अबलाग के ऊपर बात हो रही है, यकीन मानिए जराए अबलाग के ऊपर अब एक बहस से छिड़ गई है कि सहाफत क्या चंद हाथों में रहेगी हिंदुस्तान की या बटेगी वो। आज आलम यह हो गया कि प्रिंट मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। वो प्रिंट मीडिया खासतौर से हमारा सो कॉल्ड नेशनल प्रेस जो है, वो अंग्रेजी के एक दो अखबार को छोड़कर के बाकी सारे अंग्रेजी के अखबार, सारे हिंदी के अखबार वो चीजें छाप रहे हैं जो आवामी मसाइल से जिनका ताल्लुक नहीं है, हमारे जमीनी मसाइल से उनका ताल्लुक नहीं है। चैनल्स आजकल बहुत पावरफुल हैं, चल रहे हैं। आज चैनल पे वो चीजें कोर की जा रही हैं जो आपके खिलाफ है, आपके फिक्र के खिलाफ है, और सबसे बड़ी चीज है अवाम के खिलाफ है। हमारे मसाइल उनके पास नहीं है, हमारे खिलाफ उनकी बातें हैं। आज बिल्कुल बदल चुका है और उसके लिए हमें एक बड़ी टीम की जरूरत है। अब वो काम दारुल उलमा जो शुरू से करता रहा है, आज अल्लाह का शुक्र है कि एक वसी पैमाने पर एक शोभा कायम है और इसने तालिबिल पढ़ के निकल रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूं और साल भर तक कहता रहा, मैंने अपने बुजुर्गों से भी कहा कि देखिए पढ़ रहे हैं, अगर इसमें से दो तीन भी निकल गए आगे तो मैं समझूंगा कि हमारी कोशिश बहुत कामयाब रही, हम बहुत कुछ हासिल कर लिया मैंने। लेकिन जो तालिबे इल्म हमको मिले, मैंने उनको पढ़ाया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। उनको लिखने का मौका दिया, मैंने प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया, मैंने अखबारात में उनकी छपने का वो किया, जो चीज छप गई उसको कभी कभी नहीं पढ़ पाया मैं, छपने के बाद उनके राइटिंग के ऊपर बहस की यहां पर बैठ करके। चीजें होती है, आप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें जाएंगे, लेकिन ये सोच करके चलना होगा आगे पीछे कि क्या कुछ हो रहा है हमारे आगे पीछे, उसको देख करके हमें क्या राह निकालनी होगी, और वो राह हमारे बुजुर्ग निकाल के चले गए हैं दिखा करके, ये रास्ता है इस पे चलना। मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ, अभी आप के सामने बहुत से बोलने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको बातें बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।